हेलो दोस्तों, आज हो गया है 5 जून 2020 शुक्रवार का दिन। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में क्रिकेट दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जो आपको जानना बेहद ज़रूरी और अहम है। जैसे कि इन खबरों में हम आपको बताएंगे आईपीएल 2020 का आयोजन विदेश में करने के लिए पूरी तरह से तैयार है बीसीसीआई। तो वहीं पर दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे विराट कोहली ने केरल में मादा हाथी के साथ हुई घटना पर दी प्रतिक्रिया। तो वहीं पर दोस्तों अगली खबर में हम आपको बताएंगे भारतीय टीम के ऊपर अब्दुल रज्जाक ने लगाया बड़ा आरोप। तो वहीं पर दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी और एक दो खबरें हैं जो हम आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ विस्तार के साथ हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी आईपीएल और क्रिकेट को मिस कर रहे हो, आईपीएल और क्रिकेट का इंतजार कर रहे हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं क्रिकेट दुनिया से निकल कर आ रही बड़ी अपडेट्स, बड़ी खबरें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में हम जान लेंगे आईपीएल 2020 का आयोजन विदेश में करने के लिए पूरी तरह से तैयार है बीसीसीआई। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता देश में आईपीएल कराने को लेकर होगी। वहीं पर दोस्तों बीसीसीआई भारत के बाहर भी टूर्नामेंट का आयोजन करने में संकोच नहीं करेगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि धूमल ने टाइम्स नाउ को बताया है कि अगर ये वक्त हमारे खिलाड़ियों के लिए भारत में आईपीएल खेलने के लिए सुरक्षित है तो यह हमारी पहली प्राथमिकता होगी, लेकिन अगर स्थिति सही नहीं होती है तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचता है और एक विंडो उपलब्ध है जो कि T20 विश्व कप का है और उस विंडो के साथ हम आईपीएल 2020 को बाहर आयोजित कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आईपीएल देश में होना चाहिए या फिर विदेश में होना चाहिए, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब दोस्तों बात करते हैं खबर नंबर 2 की। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली ने केरल में मादा हाथी के साथ हुई घटना पर दी प्रतिक्रिया। दोस्तों अब सभी को बता दी कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली केरल में हुई गर्भवती हथिनी की मौत पर दुखी हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि विराट कोहली ने ट्विटर के माध्यम से इस घटना पर दुख प्रकट किया है। दोस्तों इस दुख प्रकट करते हुए विराट कोहली ने कहा है कि घटना को कायरता वाली बात बताई है। दोस्तों विराट कोहली ने जानवरों पर इस तरह के अत्याचार बंद करने की अपील सभी से की है। उमेश यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब दोस्तों बात करते हैं खबर नंबर 3 की। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के ऊपर अब्दुल रज्जाक ने लगाया बड़ा आरोप। दोस्तों आप सभी को बता दी कि भारतीय टीम के ऊपर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना यह है कि पिछले साल हुए वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम जानबूझकर अपना मैच हारी थी। हाल ही में बेन स्टोक ने अपनी बुक ऑन फायर में भारत के खिलाफ हुए मैच के बारे में जिक्र किया था और लिखा था कि एमएस धोनी की तरफ से इंटेंट देखने को नहीं मिला है। इसके बाद फिर से वह मैच विवादों में आ गया था। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, उसका जवाब भी हमें जरूर दें। अब दोस्तों बात करते हैं खबर नंबर 4 की। जी हाँ दोस्तों, कोरोना के बीच ऑस्ट्रेलिया में 6 जून से 8 टीमें खेलेंगी T20 टूर्नामेंट, दर्शकों को भी मिलेगी एंट्री। दोस्तों आप सभी को बता दी कि कोरोना वायरस के बीच ऑस्ट्रेलिया में दर्शकों के साथ क्रिकेट की वापसी हो रही है। यहां डार्विन शहर में 6 से 8 जून तक CDU टॉप एंड T20 टूर्नामेंट खेला जाएगा। इसमें 8 टीमें शामिल होगी जो 3 दिन में 15 मैच खेलेगी। यह सभी मुकाबले राउंड रॉबिन में खेले जाएंगे। दरअसल डार्विन में 21 मई के बाद कोई भी कोरोना संक्रमण का मामला सामने नहीं आया है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस महामारी के बीच खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में 500 दर्शकों को एंट्री मिलेगी। डार्विन क्रिकेट मैनेजमेंट ने कहा है कि टूर्नामेंट में गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा। खिलाड़ी मैच में गेंद को चमकाने के लिए लार और पसीने का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अब दोस्तों अब बात करते हैं खबर नंबर 5 की। जी हाँ दोस्तों, युवराज सिंह ने युजवेंद्र चहल को कहा था भंगी, अब पुलिस केस दर्ज। दोस्तों आप सभी को बता दी कि भारत इस समय कोरोना वायरस से घिरा हुआ है, जिसके कारण खिलाड़ी अपने घर पर बैठकर सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। इसी बीच युवराज सिंह और रोहित शर्मा इंस्टाग्राम पर लाइव चैट कर रहे हुए
कर रहे थे और इसी दौरान जहां तक कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को देखकर मजाक में युवराज सिंह ने उन्हें भंगी कह दिया था, जो कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया। और दोस्तों यह एक जातिवादक टिप्पणी हो गई, जिसकी वजह से अब युवराज सिंह काफी ज्यादा परेशानी में आ गए हैं और उनके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज भी हुआ है। ऐसे में दोस्तों आपकी इस पर राय क्या है, हमें उसका जवाब जरूर दें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको क्रिकेट से जुड़ी सटीक और सच्ची खबरें बताई हैं। हम खबरों का सिलेक्शन करके आपके लिए मेहनत करके वीडियो लाते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं। साथ ही में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाल वाला सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा उसको जरूर दबाएं। साथ ही में घंटे वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरें आपको सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही।